दोस्तों, अगर आपको रोहित शर्मा की कप्तानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात दे दी। भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट कृणाल पांड्या ने लिए और सबसे ज्यादा रन कप्तान रोहित शर्मा ने किए। इस मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी बेहद ही ज्यादा खतरनाक दिखी। भारतीय टीम के गेंदबाज न्यूजीलैंड की किसी भी बल्लेबाज को अपने पैर जमाने नहीं दे रहे थे। इसी समय एक शर्मनाक घटना घटी। दरअसल कृणाल पांड्या पारी के 6ठे ओवर की आखिरी गेंद डाल रहे थे और उस गेंद पर एक LBW की अपील हुई। अंपायर ने इस अपील को आउट करार दिया, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज को लगा कि उनके बल्ले को गेंद लगकर के पैड पर लगी है। इस वजह से उन्होंने DRS लिया। DRS में साफ तरीके से दिख रहा था कि गेंद बल्ले पर लगी है, लेकिन फिर भी अंपायर ने इसे आउट करार दिया। इसके बाद इस चीज की बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई। खुद न्यूजीलैंड के कप्तान भी इससे गुस्सा दिखे। इस घटना के दौरान मैच को 15 से 20 मिनट के लिए रोका भी गया था। भारतीय कप्तान ने भी इस घटना की आलोचना की, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसी बात पर न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं खेल के इतने बड़े लेवल पर होना मतलब एक बुरी बात है। हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसे मैचों में तो ऐसी घटनाएं होना मतलब उस पर सवाल जरूर उठेंगे। ऐसी घटनाएं ना ही हो तो क्रिकेट भावना बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह अंपायर का निर्णय सही था? क्या न्यूजीलैंड का यह बल्लेबाज आउट था या नॉट आउट? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा।